हिंदुस्तान को फख्र है कि उसकी धरती पर महात्मा गांधी जैसे महात्मा ने जन्म लिया। दुनिया भर में गांधी के अनुयायियों की कमी नहीं, जिन्होंने गांधी जी की दिखाई राह पर चलकर इतिहास बनाया। उन्हीं अनुयायियों की फेहरिस्त में एक नाम है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का। तकरीबन 46 साल पहले बिंदेश्वर पाठक ने एक नई सोच के साथ देश में नई पहल की शुरुआत की, जिसे आप और हम सुलभ शौचालय के नाम से जानते हैं। इसे समझना मुश्किल नहीं है कि 70 के दशक में जब उन्होंने खुले में शौच की समस्या के निदान के लिए अपने मिशन की शुरुआत की होगी, तो उनके रास्ते में कितनी रुकावटें आई होंगी। लेकिन गांधी जी के दिखाए स्वच्छता के रास्ते पर उनके कदम कभी नहीं डगमगाए और अपने मिशन को उन्होंने मंजिल तक पहुंचाया। आज बात उसी हस्ती की जो सुलभ सैनिटेशन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के जनक हैं, जिन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका मिशन मिसाल है उस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का, जिसके पंजे में हमारा देश सदियों से जकड़ा हुआ था। ऐसे में खुद के साथ घटी एक घटना ने बिंदेश्वर जी की आंखें बचपन में ही खोल दी। घर आई दलित महिला को गलती से उसने हाथ क्या लगा दिया, दादी का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। गंगा स्नान से भी संतुष्टि नहीं मिली तो गौमूत्र और गोबर बच्चे के मुंह में डालकर उसका शुद्धिकरण किया गया। उसमें छुआछूत काफी था, तो हमारे घर में एक महिला, उसको डोम कहते थे लोग, जब वो लौटती थी तो मेरी दादी पानी छिड़ती थी, तो मुझे कौतूहल होता था कि ऐसा क्या है कि कोई किसी के चलने से धरती छुआ जाएगा। तो मैं छू के देखता था उस महिला को। एक दिन दादी ने छूते हुए देख लिया तो घर में काफ़ी कोहराम मचा, और फिर मुझे गाय का गोबर, गाय का मूत्र वो खिलवाया गया, पिलवाया गया, और गंगा जल से माघ महीने में स्नान करवाया गया। तो उस समय से मेरे जहन में बात थी कि ऐसा समाज क्या है, कुछ लोग अछूत कहलाते हैं। गोमूत्र और गोबर की उस कड़वाहट को वो आज भी महसूस करते हैं। बचपन में हुई उस घटना ने बाल बिंदेश्वर के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि बड़ा होकर उन्होंने समाज से उस दाग को मिटाने का प्रण कर डाला। हर ओर उनकी पहल के चर्चे होने लगे। बिहार के एक छोटे से शहर से शुरू होकर सुलभ का नाम आज न्यूयॉर्क तक पहुंच चुका है। 14 अप्रैल को न्यूयॉर्क शहर में बिंदेश्वर पाठक डे मनाया जाता है। 2016, एक समृद्ध परिवार में बिंदेश्वर पाठक का जन्म तो हुआ, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं उनके परिवार के साथ हुई कि उनकी आर्थिक हालत बिगड़ गई। महज 13 साल की उम्र में उनके परिवार के मुखिया की हत्या कर दी गई, और फिर वक्त के साथ साथ उनके परिवार की हालत बद से बदतर होती गई। 12-13 वर्ष के बाद 55 के आसपास में मेरे चाचा जी कहाँ गए पता नहीं, अब तक लौट के आए नहीं। उनके जाने के बाद जो है घर की स्थिति खराब होने लगी,
और पिताजी ये काम करते थे, दवा की बड़ी दुकान थी, जब बनाते थे मुजफ्फरपुर में, फिर चले गांव चले आए, तो वो जमीन बिकने लगी, फिर आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई, हम लोग इतनी ख़राब हो गई कभी कभी हम लोग खाने में दिक्कत होती थी, फीस नहीं था स्कूल के लिए, ऐसी कठिनाई बहुत काफ़ी होती थी। 23 साल की उम्र में बिंदेश्वर को एक और झटका लगा। प्रोफेसर बनने के सपने को हकीकत में बदलने के मकसद से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, पर महज कुछ अंकों से फर्स्ट डिवीजन रुकने की वजह से बिंदेश्वर अपने सपने से भी दूर हो गए। इसके बाद लगभग हर चीज में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, कुछ छोटी मोटी नौकरियां की, अपने दादा की बनाई हुई आयुर्वेदिक दवाइयां अपने कंधों पर रखकर वो दूर दूर तक बेचने जाया करते, लेकिन किसी भी काम में उन्हें मनचाही कामयाबी नहीं मिल रही थी। सोशियोलॉजी में हमने ऑनर्स ले लिया, तो टर्मिनल तक टॉपर चले गए, लेकिन अपराध विज्ञान साथ में ले लिया हमने, और उससे क्या हुआ कि फिर उसमें क्लास फोर्थ हो गया, फिर लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहीं से है, पढ़ाई छोड़ दी हमने, स्कूल टीचर हो गए, उसके बाद फिर सागर विश्वविद्यालय में हम जा रहे थे नाम लिखाने के लिए, तो ट्रेन से दो लोगों ने उतार लिया। प्रोफेसर बनने के सपने को पंख देने के लिए बिंदेश्वर ने मास्टर डिग्री लेने का मन बनाया, लेकिन ऐन मौके पर हाजीपुर रेलवे स्टेशन से उनकी ट्रेन छूट गई। इसके बाद तो जैसे उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। हालात ने उन्हें मजबूरी के उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए बीवी के कहने तक बेचने पड़ गए। जब गहना दिया बेचने में रिश्ते राग से आंसू के आ गए। ऐसे नाजुक हालात में उन्हें साल 1968 में महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति ने भंगी मुक्ति विभाग काल पर एक राइटिंग असाइनमेंट पूरा करने का मौका मिला। यही वो मौका था जिसने बिंदेश्वर पाठक की जिंदगी को एक नई दिशा दी। बिहार के बेतिया में उन्होंने 3 महीने का वक्त स्कॉवेंजर्स के साथ गुजारा। इस दौरान उन्हें ऐसी चीजें जानने और देखने का मौका मिला जिसने बिंदेश्वर की आंखें खोल दी। दो घटनाएं इसमें बहुत प्रमुख घटी। एक तो है कि एक नई नबेली दुल्हन, उसकी सास और ससुर, उसको मैला ढोने के लिए अबित्या शहर जाने के लिए बाध्य कर रहे थे, मैं गया मना करने के लिए। तो उसकी सास ने पूछा कि कल से क्या काम करे, कल जो है सब्जी बेचेगी तो इसके हाथ से कौन खरीदेगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक लड़का था उसको बुल ने, सांप ने अटैक कर दिया, सब लोग दौड़ बचाने के लिए, भीड़ में से किसी ने कह दिया कि वो लड़का तो वाल्मीकि कॉलोनी का था, सब ने छोड़ दिया, तो वो दम तोड़ दिया बच्चा, जैसे वंस यू आर बोर्न अनटचेबल यू विल डाई एज अनटचेबल। बेतिया में बिताए वो 3 महीने आज तक उन्हें भुलाए नहीं भूलते। इसके बाद तो जैसे उनके जीवन को एक नई दिशा मिल गई। सर्वोदय के एक सदस्य राजेंद्र लाल दास ने बिंदेश्वर को गांधी के भंगी मुक्ति योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। सर पर मैला ढोने की प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए बिंदेश्वर नए तरीके खोजने लगे। आखिरकार पाठक ने मेंटेनेंस फ्री टॉयलेट का निर्माण कराने का निर्णय किया। एक ब्राह्मण होने के नाते उनके जीवन के लिए यह अहम और ठोस कदम था। बिंदेश्वर के इस फैसले से उनके मित्र, नातेदार, रिश्तेदारों के साथ साथ परिवार वाले नाराज हो गए। बात यहां तक पहुंच गई कि उनके ससुर ने शादी तोड़ने तक की बात कह दी। पिताजी बहुत दुखी थे हमारे, और मेरे जो ब्राह्मण से जो समाज है पूरे हमारे खिलाफ रहते थे इस काम के लिए, फादर लॉ पूरे हमारे नाराज थे, और एक दिन तो इतने नाराज हो गए कहा कि आपका चेहरा हम देखना नहीं चाहते। तो मैंने वहाँ कहा उस दिन को कि देखिए इतिहास का पन्ना उलटने हम चले हैं, गांधी का सपना पूरा करना है, अब तो हम करेंगे या खो जाएंगे, अब इस काम को छोड़ नहीं सकते।
ब्राह्मण होकर हरिजनों के साथ रहना और शौचालयों का निर्माण कराना। बिहार क्या पूरे देश में उस वक्त ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। मेरे मन में ख्याल आया कि जब तक हम स्वयं उस काम को नहीं करेंगे तब तक पूरे तौर से उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को हम समझ नहीं पाएंगे। तो आरा शहर में जा करके हम दो दिन तक घरों में जा करके महिला स्वयं धोए, तो इतना महकता था कि लगता था कि जान निकल जाए। दो दिन शौचालय साफ करके हमने इन लोगों की पीड़ा को समझने का प्रयास किया। हर ओर से पाठक को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। जिनके यहाँ जाते थे समझते थे लड़का कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। लड़कों के बीच में जब जाते थे जिसका पढ़ते थे हम, तो कहा कि जीनियस स्क्वायर हो गया। तो ये उस समय तो सम्मान की बात कोई नहीं करता था। और फिर जिससे मिलने जाए बोले कि आप शौचालय की बात करेंगे, हम जी सर शौचालय की बात करके चाय की कैसे पिएंगे हम लोग, उसका टेस्ट नहीं आएगा, हम नहीं सर उसका टेस्ट कैसे आपको आएगा। तो लोग बात कर रहे हैं। जो आदमी पैखाना का नाम लेना नहीं चाहता है, जिनके लिए स्कैमजन महिला अछूत थी, जो उनकी छाया से डरते थे, ऐसे समाज में जब आप स्वच्छता की बात करें, स्कैमजन महिलाओं की बात करें, पैखाने की बात करें, तो आपका विरोध होगा। वो कौन गालियां दी गई मुझको कैमरा पर कहना उचित नहीं लगता है, लेकिन आप यही काफ़ी है कि इनका नाम पैखाना से जोड़ करके इनकी तोहिन करने की कोशिश की गई। हर ओर खरी खोटी सुनाई जाती है, पर पाठक के कानों में जूं तक न रेंगी। उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। अब उनके सामने चुनौती थी एक ऐसी योजना के निर्माण की जिसे कम दाम में शौचालय निर्माण भी हो और गांव वालों को उससे फायदा भी मिले। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद वो पहुंचे एक ऐसे समाधान पर जिसकी चर्चा देश से लेकर विदेशों तक हुई। यह है बिंदेश्वर पाठक की खोज, ट्विन पिट टॉयलेट। इसमें दो टैंकों के साथ एक शौचालय का निर्माण किया जाता है। दो साल तक एक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, बाद में वो वेस्टेज की प्रोसेस कर मिट्टी के नीचे दबाकर उसे फर्टिलाइजर मिथेन गैस बनाई जाती है। एक और जहां ये फर्टिलाइजर खेतों के लिए उपयोगी साबित हुआ, तो वहीं मिथेन गैस को खाना पकाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मेरे कहने हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, WHO किताब है, यही सब आइडिया मिला हमको और उसको पूरा हमने डेवलप किया। पानी निकलता है जो पानी जो है बायो ट्रांस निकलता है तो 87% प्योर निकलता है और 13% इम्प्योर होता है। पाठक को अपनी इस खोज को साबित करने में काफी समय लगा। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने भी कोई मदद नहीं की। हार कर उन्हें अपनी फैमिली बिजनेस में वापस आना पड़ा, पर साथ ही सुलभ नाम की संस्था भी रजिस्टर कराई। संस्था बनाने के बाद 70,000 रुपए के लिए हमने अप्लाई किया, 50 का कर्जा ले लिया हमने लोग। अब लोग पत्र लिखते थे कि भाई रुपया वापस कीजिए, हम इतने हार्ड सब रहते थे उसमें। समटाइम्स आई वांटेड टू कमिट सुसाइड आल्सो, संस्था नहीं चल पा रही थी तो 4 दस से हम घिर गए थे। लगभग 5 सालों तक बिंदेश्वर की जद्दोजहद जारी रही। आखिरकार साल 1973 में आरा के एक म्युनिसिपल अधिकारी ने सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए उन्हें 500 रुपए सैंक्शन किए। पहला जो काम मिला हमको आरा शहर से, तो हमने बनाया ऐसे कि जो कम से कम पैसे वाला आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है और जो पैसे वाला आदमी है, करीब 20 डिजाइन लगाया हमने ऐसा कि जो चाहे अपने हिसाब से इसको बनवा सके। पाठक साहब हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो आज हम मेला ढूंढने का काम कर रहे होते, क्योंकि हमारे तो क्या समाज में परंपरा चली जाती है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने को मिलता है, तो वही काम हम लोग भी कर रहे थे मेला ढूंढने का। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में पेड टॉयलेट का निर्माण किया। ये स्कीम भी काफी सफल रही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 1978 के बाद सुलभ शौचालय देश के और सूबों तक पहुंच गया। बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में सुलभ अपनी सफलता की गाथा लिख रहा था।
और धीरे धीरे बिंदेश्वर पाठक को अपना सपना साकार होता नजर आने लगा। शौचालय का प्रयोग सफल हुआ तो इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 1974 से शहरी क्षेत्रों में भी भुगतान और उपयोग के आधार पर सामुदायिक शौचालयों की योजना सफल हुई। धीरे धीरे गैर सरकारी संगठन, स्थानीय निकायों और नागरिकों और लाभार्थियों की साझेदारी से सुलभ सरकारी और गैर सरकारी संगठन का सफल उदाहरण बन गया। पब्लिक से पैसा लेके आप चले तो पट्टे में हल्ला हो गया कि भाई अब पैसा उसके लिए ही देना पड़े। पहले दिन 500 लोग आए। 1978 में पहली बार कि जो काम सुलभ का बिहार में हुआ है ये चीज दूसरे के राज्य के दूसरे राज्य चलना चाहिए। पाठक की संस्था ने न सिर्फ स्कावेंजर्स की परेशानियां काफी हद तक सुलझाई, उनके बच्चों के लिए पटना, दिल्ली और दूसरे जगहों पर शिक्षा के लिए स्कूल खोले। महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की, जिसके तहत सिलाई बुनाई से लेकर ब्यूटी पार्लर का कोर्स जैसे जीविका साधन सिखाए जाते हैं। राजस्थान के अलवर जिले को पूरी तरह से स्कावेंजर फ्री बनाने का श्रेय पाठक और उनकी संस्था को ही जाता है। इनको हमने पढ़ाया, पढ़े लिखे थे नहीं सर, तो अब काम करेंगे, व्यापार करेंगे तो लिखना पढ़ना नहीं आएगा तो करेंगे से। फिर उनको काम सिखाया, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, ब्यूटी पार्लर का, साड़ी पर सजा करने का। जब महिला ढोते थे लोग तो इनकी आमदनी थी 300 रुपये मैक्सिमम, अभी कमाते हैं 15,000 से 20,000 प्रति महीना। और पाठक सर ने हमारे गांव में सेंटर खुलवा रखा है सिलाई का, पार्लर का, और मतलब दोना पत्तल बनाते हैं हम और कंप्यूटर का। दिल्ली में स्थित सुलभ की इस इकाई में आपको एक और आश्चर्य नजर आएगा। विश्व का पहला टॉयलेट म्यूजियम यहां पर है। जरा देखिए इसके नजारे। हड़प्पा संस्कृति से लेकर अब तक की सभ्यता वाला हर शौचालय आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देश के इस अनूठे संग्रहालय को देखने लाखों लोग आते हैं। जैसे 1992 में दिल्ली में इन्होंने क्या किया कि कोई 100 समय में फॉरेन चांसलर्स दिल्ली में थे, सबों को चिट्ठी लिख दी गई सुलभ के तरफ से कि हमारा एक कार्यक्रम है कि हम दिल्ली में एक इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम बनाएंगे, कृपया अपने अपने देशों में जो भी आपके फोटोग्राफ हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, डाटा हैं, लिटरेचर हैं, हमें भेजिए। 100 में से 60 देशों ने अपना बड़ा ही पॉजिटिव रिएक्शन दिया। इधर जितनी चीजें देख रहे हैं उन देशों से आई हुई हैं। बिंदेश्वर पाठक ने अपने लाखों समर्थकों के साथ मिलकर ऐसे कई कदम भी उठाए जिससे दलितों को समाज में समानता का अधिकार मिला। जाति बंधन को तोड़ने के उद्देश्य से स्कैवेंजरों को मंदिरों में ले जाने, उच्च वर्गों के घर आने जाने, अंतर जातीय सम्मेलन और गोष्ठियां आयोजित की। इससे जातिवाद मानसिकता में बदलाव आए और जाति प्रथा टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई। जुलाई 2011 में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बिंदेश्वर पाठक के साथ 200 दलित महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, वहां के ब्राह्मणों के साथ भोजन भी किया। देखिए जब हम काशी जा रहे थे वहां पर तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। माँ गंगा में स्नान भी किया था हम लोगों ने, फिर स्नान करने के बाद पूजा भी की थी हम लोगों ने, बाबा विश्वनाथ की पूजा भी की थी। तो फिर वहाँ कर बहुत सारे पंडित थे, करीब 250 पंडित थे, उनको साथ एक साथ हम लोगों ने भोजन किया था। इसके अलावा पिछले 2 सालों से वृंदावन की विधवाओं के साथ होली खेलने का वो आयोजन करते हैं। हमारे बंगाली में क्या बोलता है, जब विधवा होता है ना उसी के लिए कोई शुभ काम अच्छे नहीं है। पाठक जी अभी हमारे साथ होली मना रहा है, जब हम लोग बोल रहे हैं नहीं हम लोग तो होली नहीं खेल रहा है, हम लोग हमारा हमें आदत नहीं है, पहले ही नहीं वो बात नहीं है, हमारे यहाँ में आ गया सब करना चाहिए। महीने में 2,000 रुपया दे रहा है, फिर हमारे कोई बीमारी होगा तो डॉक्टर है, कि हमारे पास एम्बुलेंस दे दिया, टीवी दे दिया। विधवाओं के द्वारा होली खेलना असंभव था अपने आप, और वो होली खेलवा दिया उसे, और खूब हंसती हैं, खेलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। विधवाओं को नाचना, विधवाओं को गाना गाना, एकदम मना था।
कई अखबारों और मैगजीन्स में सामाजिक विषयों पर लेख लिखने के अलावा डॉक्टर पाठक ने अब तक कई पुस्तकें लिखी हैं। 1980 में उनकी पहली पुस्तक सुलभ शौचालय, अ सिंपल आइडिया दैट वर्क्ड छपी थी, पर 1991 में छपी उनकी रोड टू फ्रीडम ने उनकी लेखनी पर सबका ध्यान खींचा। इम्पोर्टेंट हमारा है, पहला किताब लिखा था हमने सुलभ शौचालय पर, सिंपल आइडिया दैट वर्क, दूसरी किताब थी डायरेक्ट सोशल चेंज। उसके बाद फिर जो हमने जो पीएचडी की हमने, तो उस जो किया रोड टू फ्रीडम, वो किताब लिखी है। तो इस पर ऐसे किताब हमने कई लिखी है, सैनिटेशन पर भी, सोशल रिफॉर्म पर भी काफ़ी किताब लिखी है। आज 73 साल की उम्र में उनका हर सपना साकार नजर आता है। वो प्रोफेसर बनने का ख्वाब देखते थे और आज कैम्ब्रिज से लेकर हार्वर्ड और ना जाने विश्व की कितनी ही यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स दे चुके हैं। भारत सरकार तो उन्हें पहले ही पद्म भूषण से नवाज चुकी है। इसके अलावा फ्रेंच गवर्नमेंट भी उन्हें सेंट फ्रांसिस प्राइज से सम्मानित कर चुकी है। जॉन पोप टू भी उनकी गरीबों के लिए मदद और पर्यावरण के लिए विशेष योगदान के लिए प्रशंसा कर चुके हैं। इसी तरह सैकड़ों अवार्ड्स उनकी शोहरत को और बढ़ाते रहते हैं। दलितों के उत्थान से लेकर सुलभ की स्थापना और आज इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने जैसा अकल्पनीय काम किया है डॉक्टर पाठक ने। सामाजिक कार्यों की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि उसे गिनना तक मुश्किल है। हाल ही में सिंहस्थ कुंभ में भी विधवाओं और स्कारवेंजर्स महिलाओं के साथ साधु संतों ने शिप्रा में डुबकी लगाई और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की शोहरत और बेजोड़ लगन की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर वो स्वच्छता की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ये बिंदेश्वर की सोच और लगन का ही कमाल है जो आज उनका नाम दुनिया के नामचीन समाज सेवियों में शुमार है। मेरा काम हंसना मेरा काम हंसना मेरा